गेम प्ले होने वाला है हिप्नोटिस्ट के ऊपर, ये। और इसमें है एक ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट है कि मैं आज एक भी किल नहीं करने वाला हूँ। यस, मैं आज एक भी किल नहीं करने वाला, और साथ ही साथ मेरा टीममेट को भी एक भी किल नहीं करना चाहिए। मतलब मैं जिसको रिक्रूट करता हूँ उसको एक भी किल नहीं करना है। भाई ये बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन यस मैंने कर दिया है भाई। ठीक है, गेम प्ले देख लो। सॉरी भाई, मैंने रिपोर्ट करा भाई, सॉरी, लेकिन मैं मरते मरते बचाऊ। येलो स्पाई है, येलो ने मेरे सामने ब्लू का कलर लिया, लेकिन मैं भागा। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं मर जाता तो भाई बाड़े में जा सकता है 2 मिनट के लिए। भाई इसने देखो, भाई इसने मेरे सामने ब्लू का कलर लिया, मैं बेड में था, मैं देखा किसी ने ब्लू का कलर लिया, मैं भागते भागते गया, मेरे को अचानक से पर्पल की बॉडी मिली। मैंने कहा इसका कलर चेंज होने देते हैं, फिर बॉडी रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन मैं जैसे जैसे बच के इसको अब पूरा यहाँ पे येलो येलो स्पैम हो रहा था चैट में, तो सब लोग येलो कोड कर लेते हैं। और भाई ये इम्पोस्टर था भी, मुझे लग भी रहा था। अब हमारा भाई अच्छा हुआ ना, मैं हिप्नो तो भाई मेरे को जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और यस येलो इम्पोस्टर था, इसको निकाल लेते। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं सोचता हूँ रिक्रूट बनाने की, लेकिन अगर अब मैं रिक्रूट बना देता ना, फिर भाई देखो वो ना किसी का तो मारता ही, तो इसीलिए मैं नहीं मरा था। मैं बस इधर आके ऐसे नाटक करता हूँ कि मैं एडमिन चेक कर रहा हूँ बस, तो खड़ा हो जाता हूँ मैं। उसके बाद इधर पे लाइट चली जाती है, तो सब लोग लाइट फिक्स करने जाते हैं। और मैं भाई हालांकि भाई मेरे तो भाई इतनी फट रही थी ना इधर, मैं भी मार नहीं सकता, और वो भी भाई मेरे को अगर मार दिया ना खत्म भाई। अब देखो मैं सोच रहा था मार ही दूँ, लेकिन नहीं मारा मैंने, क्योंकि भाई चैलेंज ख़त्म हो जाने का, वरना ठीक है चैलेंज हमको कंप्लीट करना ही है आज। तो अभी मैं बन जाता हूँ यहाँ पे सर्वाइवर, मतलब सर्वाइवर तो नहीं बनता, लेकिन सर्वाइवर की तरफ छुप जाता हूँ। अब देखो इधर रेड को मेरे पे शक हो गया था, लेकिन बाद में भाई मैं बच जाता हूँ वैसे भी। अब देखो मैं बाद में इसी को मिनियन बनाने वाला हूँ, मुझे को नहीं पता था मैं उसी को करूँगा। और इधर इतना भाई डर गया था, तो मैं भाई बार बार दबाते रह जा रहा था। भाड़ में जाए चैलेंज, मेरे को ना अपना रैंक नहीं गिरवाना भाई, रैंक में चल रहा है। तो इसके बाद रेड बुला लेता है मीटिंग। ऑरेंज ये ऑरेंज को निकालो, ऑरेंज है ऑरेंज को निकालो भाई, पता नहीं इसको क्या कैसे चक्को आप, पर हाँ वो मेरे को निकालने के बाद कर रहा था, लेकिन मैं बच जाता हूँ। तो यस आगे यहाँ पे मैं जैसे जैसे करके बच जाता हूँ, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि रेड को मिनियन बना लूँ। और यस इसी के वजह से मैंने रेड को मिनियन बनाया था। अब रेड बहुत खुश था भाई मैंने उसको मिनियन बनाया था। तो आगे देखो, और यहाँ पे ये लोग ब्लू को निकाल लेते हैं यस बोल के कि ब्लू होगा, तो यस ब्लू नहीं था। और भाई देखो इस बार मैं क्या करता हूँ, इधर आके छुप जाता हूँ, और छुपने के बाद देखो क्या करता है, रेड आता है मेरे पास खड़ा हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ उसको रिक्रूट कराने की सोचता हूँ, और वो रिक्रूट हो भी जाता है। अब यहाँ पे रिक्रूट होने के बाद देखो मैं इधर छुप जाता हूँ। अब देखो हम दोनों तो होते हैं, और इधर कोई तो आया था मुझे उसका कलर, हाँ तो वो पर्पल या फिर कोई तो था उसका, भाई इस सूट में कलर ही नहीं चलता चलता। अब मेरे को लग रहा था ये होगा, और पता नहीं ये था या नहीं, मेरे को खुद याद नहीं भाई, मैं कुछ याद नहीं है मुझे, बस मैं भाई कमेंट कर रहा हूँ ऐसे ही। अब देखो ये रेड पूरा मेरे साथ भाई इतना घूम रहा था ना, चाहे इनको शक वगैरह ना हो जाए था, तो यहाँ पे पिंक मीटिंग बुला लेता है। बस यहाँ पे देखो सिर था पिंक, तो पिंक ने बोला कि उसने मेरे को स्कैन किया है, और उनको लग रहा था गेम हिप्नोटिस्ट और जोकर दोनों है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो मैंने क्या किया, मेरे खुद को वोट किया, और सब लोगों का अब लगा पता ऐसे लगा कि मैं जो कर रहा हूँ, तो अब मैं तो बच गया। और वाइट और ब्राउन के ऊपर दो दो वोट आ गए। अब देखो वाइट इम्पोस्टर था ऐसे, और ये सच भी था। बाद में जाके हम निकाल देते वाइट को, अभी उसने रिएक्टर बुला लिया था। अब मेरे पता है चल ही गया था उसके हरकत देखे कि वो जैसे कर रहा है ना, पता चल गया था। अब यहाँ पे मैं फंस गया था, चाहे तो वो मेरे को मार सकता था, लेकिन मैं दूर जाके बच गया भाई, बच गया मैं, मतलब भाई वो मारने ही वाला था, मैं बच गया।
अब यहाँ पे क्या देखो क्या होता है कि मुझे लगा वही तीतर ही अंदर होगा, तो अगर वो मेरे को मारने आएगा तो मार दूंगा भाई भाई फिर से भाई। मेरे भाई डर बहुत लग रहा था। अब पिंक को वो मार के आ गया था, इन दो लोगों ने तो देख लिया था। अब देखो क्या होता है कि रेड बोलता है कि भाई साहब हम रिस्क नहीं लेंगे, सीधा वाइट को निकाल देते हैं, ब्राउन तो भाई ब्राउन हार जाएगा और हम दोनों वाइट को निकाल लेंगे विन। और यही हुआ हम लोग अब वाइट खेल रहा था 1v2, लेकिन हम भाई कोई रिस्क नहीं लिया, हमने हमने बस वाइट को निकाल लिया और यस मैच जीत गए। तो यहाँ पे हम आसानी से चैलेंज जीत गए हैं और चैलेंज के साथ गेम भी जीत गए हैं, तो चैलेंज और गेम दोनों जीत गए। इसी बात पे एक लाइक कर देना। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।